ईद उल फितर का त्यौहार देश भर में आज मनाया जा रहा है। केरल के कोझिकोड में गुरुवार को चांद दिखाई देने के बाद वहां शुक्रवार को ही ईद मनाई गई। गुजरात के कुछ इलाकों में भी शुक्रवार को ईद मनाई गई। वहीं जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में शिया समुदाय ने शुक्रवार को ईद उल फितर त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान लोग पारंपरिक वस्त्रों और बच्चे रंगीन कपड़ों में ईद की विशेष प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। कश्मीर में शिया समुदाय के लोग शनिवार को ईद मनाएंगे। वहीं लद्दाख में सुन्नी समुदाय के लोग शनिवार को ईद का त्यौहार मनाएंगे। सऊदी अरब समेत तकरीबन सभी खाड़ी देशों में शुक्रवार को ही ईद मनाई गई। सऊदी अरब में शुक्रवार को ईद मनाई गई है और देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। केरल में शुक्रवार को ईद मनाई गई है। आपको बता दें कि गुजरात के कई हिस्सों में शुक्रवार को ही ईद मनाई गई है, लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में शुक्रवार को ही ईद मनाई गई है और आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। गुजरात के कई हिस्सों में शुक्रवार को ही ईद मनाई गई है। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईद का त्यौहार और आज चूंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है बाज़ारों में भी और जगह जगह पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये सूरत की तस्वीरें, ईद की नमाज अदा करते लोग, ये सूरत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है और सूरत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ईद की नमाज अदा की गई है।